अब्दुलमार आज तो स्विमिंग करने का बहुत ही मजा आएगा। यस मरवो आ जाओ। मैं बहुत मजा आएगा पूल में, जल्दी से चलते हैं। सही कह रहे अब्दुलमान। ये बच्चे किधर आ रहे हैं? पूछता हूँ इनको। रुको बच्चो, किधर जा रहे हो आप दोनों? किधर जा रहे हो बच्चो? अंकल हम लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं। स्विमिंग तो करने जा रहे हो लेकिन ऐसे जाओगे? अंकल हमें स्विमिंग ड्रेस पहना हुआ है, हम लोग कर सकते हैं स्विमिंग ड्रेस में स्विमिंग। बच्चों खाली स्विमिंग ड्रेस काफी नहीं है, बाकी चीजें कहाँ है आपकी? सेफ्टी के लिए तो आप कोई चीज नहीं लाए। ऊपर से दोनों छोटे बच्चे अकेले स्विमिंग करने आए हो। बच्चों अपने साथ किसी बड़े को भी नहीं लेके आए आप दोनों? यहाँ पे ऐसे तो लाओ नहीं है जब तक कोई बड़ा साथ ना हो। आपके जैसे कुछ छोटे बच्चे किसी बड़े के साथ आए स्विमिंग करने फिर हम अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम लोग अलाउ नहीं करते। कोई बात नहीं अंकल, आप हमें जाने देना। नहीं बच्चों, ऐसे मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता स्विमिंग करने। जाओ किसी बड़े के साथ आओ फिर आप स्विमिंग कर लेना। ओह नो अब्दुलमान, हम लोग तो मामा को बता के ही नहीं आए। जी मरवा हम क्या करेंगे? चुप करो अब्दुलमान, अंकल को इस बात का पता नहीं है। अच्छा मरवा। अंकल हमने छोटे बच्चों वाले स्विमिंग पूल में नहाना है। जी अंकल, हम पूल छोटे वाले में पूल में जाएंगे। ठीक है बच्चों, छोटे स्विमिंग पूल में चाहे चले जाओ लेकिन जब तक आपके साथ बड़ा नहीं आया तो आप कैसे जा सकते हो? हमने बच्चों वाले पूल में जाना है, बड़े वाले में नहीं जाना। बच्चों वाले पूल में तो कुछ नहीं होगा, वो तो सेफ है। बच्चों अगर छोटे ही स्विमिंग पूल में जाना है तब भी आपके साथ किसी बड़े का होना जरूरी है। जाओ बच्चों, पहले किसी बड़े को लेके आओ फिर यहाँ पर आकर जितनी मर्जी स्विमिंग कर लेना। कोई बात नहीं अंकल, आप हमें जाने देना। हमारी मम्मा थोड़ी सी बिजी थी, उन्होंने कहा कि जाओ आप। यस। नहीं बच्चों, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं आपको अलाउ कर दूंगा तो ये आपके लिए डेंजरस है। प्लीज अंकल जाने देना, कुछ नहीं होगा। मैं तो अलाउ कर दूंगा बच्चों लेकिन ये आपके लिए सेफ नहीं है क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। जाओ बच्चों, जाओ किसी बड़े के साथ आओ फिर जितनी चाहे मर्जी स्विमिंग कर लेना। ठीक है, सॉरी बच्चों मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। जाओ किसी बड़े को साथ आओगे तो फिर आपको मैं स्विमिंग करने दूंगा। जाओ बच्चों अभी जाओ वापस। जब तक बड़े नहीं आते ऐसे स्विमिंग के लिए आ जाते हैं बच्चे। कहाँ गए ये दोनों बच्चे? मामा आ गए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? मरवा अब्दुलरहमान, आप लोग स्विमिंग वाले कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? और किससे पूछ के आए थे यहाँ पे? मम्मा हम लोग स्विमिंग करने आए थे। यस मामा, हम स्विमिंग करने आए थे। हमारा दिल कर रहा था हम लोग स्विमिंग करें। बच्चों अब आप दोनों इस तरह के काम भी करोगे? मामा बाबा को बताए बगैर आप लोग स्विमिंग पूल में आए हुए हो स्विमिंग करने? कितनी गलत बात है ये। आपको पता है इस बात से आपको मुझे पनिशमेंट देनी चाहिए। मरवा अब्दुलरहमान, अगर आप दोनों ने स्विमिंग करने आना ही था तो मामा से कह देते, बाबा से कह देते, हम आपको ले आते स्विमिंग करने। हमने आज तक आपको किसी चीज से मना किया?
ऐसे अकेले आने का क्या फायदा बच्चों? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? तो मुझे पता था आपको सिक्योरिटी वाले अंकल भी नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ये कैसा तरीका है आने का? अगर आपका दिल कर रहा था तो आप स्विमिंग करने आ गए, वो भी बताए बगैर। सॉरी मामा। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, वरना मैं आप दोनों का घर से निकलना भी बंद कर दूंगी। मैंने गलती कर दी मामा, सॉरी मामा, हम लोग अगेन ऐसा नहीं करेंगे। ये जो आप लोगों ने हरकत की है, इसकी सजा तो आपको घर जाके मिलेगी। लेकिन अगर आप दोनों आ ही गए हो तो आ जाओ, स्विमिंग करने चलते हैं। हाँ जी, आ जाओ स्विमिंग करके आते हैं। और नेक्स्ट टाइम बच्चों, फिर से कह रही हूँ, मामा बाबा को बताए बगैर या अकेले कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, ओके? चलो आ जाओ स्विमिंग करने चलते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आराम से। मरवानी कर रही Friends, this is Sahresh. And this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.